जैसे किसी ने मुझे ये बोला सर कि इंडिया पाकिस्तान की कहानी है, सो मुझे आई मीन यू नो इट्स या सो इफ इट हैज लैंडेड लाइक दैट, मेरी अपनी आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग में हम लोग राइटर्स हैं, वी आर ऑलवेज लेफ्ट लिबरल, और मतलब सब सब खुश रहें, सब अच्छा हो, जस्टिस फॉर ऑल, यू नो फेमिनिज्म का अंडरपिनिंग, सो पर्सनल आइडियोलॉजी तो मेरी वही है, बट मैं उस आइडियोलॉजी को कभी भी किसी किरदार के लिखने के आड़े नहीं आने दूंगा, मुझे किसी को सिग्नल नहीं करना कुछ भी, मुझे हिट फिल्म बनानी है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी पिक्चर 5-5 बार जाके देखें, तो उसके लिए अगर मेरे किरदार को बैड मुस्लिम होना है या मेरे किरदार को एक गे पर्सन होते हुए भी कुछ बुरा करना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आई एम गोइंग टू बी ट्रू टू द स्टोरी। पहले तो ये फिल्म को जो प्रमोट किया गया था कि जैसे एक बाप बेटे की स्टोरी है, और फिर जब खासकर जो क्लाइमैक्स का डायलॉग है जब रणबीर अबरार को मारते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पिता कहते हैं कि तू भी अपना ही खून है, तो उस समय मुझे ऐसे लगा जैसे कि क्या ये एक बाप बेटे की स्टोरी थी या हमारे पड़ोसियों को बताना था कि आप कितने भी कलमे कर ले, कितने भी नमाज कर ले, पर आपका जो DNA है वो भारत से ही है। So definitely ये नहीं था, मतलब ये it has again, so it has landed like that. मैंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कहानी के सुने, और सबसे बढ़िया कहानी मजेदार वो होती है जो प्लेटफॉर्म बन जाए जिसपे कि आगे चर्चा हो और लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। ये तो काफ़ी मतलब जो आपने चीज़ बोली कि जितने भी कलमे नमाज पढ़ोसी, ये तो बहुत ही बुरी और मतलब इट्स नॉट अ थिंग टू थिंक और टू से, मतलब why would that be a thing at all? So the answer is no, that was not one of us thinking about. So it's one thing to say ki ye to kahani hai, character ne ye kiya, lekin hame ruk ke sochna hai ki ye character banaya to aapne hai, ye story aapne decide ki hai us character ke liye, to what is it about you that's making that character do that? Aap keh rahe ho ki इसके भाई ने बाहर जाके धर्म बदल लिया, यू हैव डिसाइडेड दैट दैट कैरेक्टर इज गोना चेंज देयर धर्म एंड बिकम अ मुस्लिम एंड अ वेरी स्टेरियोटाइपिकल मुस्लिम हु इज गोना हैव 3 wives, हु इज गोना बी अग्रेसिव एंड बीट अप द वाइव्स, पाउंस ऑन हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ ऑल द 100 people, एक बहुत स्टेरियोटाइपिकल जो हमारी सोसाइटी में कहा गया कि मुस्लिम आदमी ऐसे होते हैं जो आजकल नैरेटिव है, आपने बहुत कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आई डोंट नो क्रिएट किया है उस कहानी को, उस कैरेक्टर को उस तरह से कि उसने धर्म बदला, आई डोंट नो व्हाई धर्म बदलना वाज इम्पॉर्टेंट, और अगर धर्म बदलना था तो मुस्लिम ही बनना था, दीज आर वेरी कॉन्शियस चॉइसेस मेड बाय अ राइटर और अ फिल्म मेकर, एंड आई थिंक देयर इज even if somebody is not consciously being Islamophobic, there is a need for them to stop and question ke kuch hua hai kya yahan pe jo problematic ho sakta hai, especially in the society we're living in today. Sure, during these times it's a point extremely well taken.